हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो बात करते हैं एक ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप खुद बोलेंगे OMG, दिस फेस पैक इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी स्किन टाइप। जो मैं यहाँ इन्ग्रीडियंट यूज़ करने वाली हूँ, यहाँ सिर्फ मैं दो इन्ग्रीडियंट यूज़ करूँगी और ये दोनों ही चीज़ें हमारी किचन में अवेलेबल हैं। फर्स्ट जो है वो है चावल का आटा। चावल का आटा आप मार्केट से भी ला सकते हैं और चावल आप घर पे मिक्सी जार में भी पीस कर बना सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी मिक्सी जार में से बनाकर रखा हुआ है। तो आपको पता ही होगा जो चावल है ये पानी में ही, इसके जब इसको उगाया जाता है, जब इसे बोया जाता है, तो इसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो दूसरी फसल से ज़्यादा इस चावल को उगाने में होती है। तो ये जो, इसीलिए ये फेस पैक जो है ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखे, क्योंकि इसमें जो पानी का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, पिगमेंटेशन को दूर करेगा। जैसे लाइक मिलाजमा, झाइयाँ, दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स, इनको बहुत हद तक नहीं कह सकते, इसे बहुत अच्छे से ठीक करेगा। जितने भी हमारे फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, टैनिंग है, ये सबको रिमूव करेगा। और जो सेकंड है, जो मैं ऑलवेज, मेरा फेवरेट है, वो है लेमन। लेमन बहुत ही अच्छा, इसमें विटामिन सी होता है जो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। बट जिनकी स्किन को लेमन सूट नहीं करता है, जिनके फेस पर एक्ने है या उन्हें इचिंग होती है, वो इसको, ऑप्शनल है ये, आप इसे अवॉइड करके या तो रोज़ वाटर या फिर टमाटो जूस भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस, जो मैंने ये चावल का आटा बना के रखा हुआ है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी लेमन। इसमें एक लेमन जाएगा, और इसे अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, लम्स फ्री, कोई भी लम्स ना रहे। जो चावल का आटा होता है वो हमारी स्किन को लाइट करने में, यानी फेयर करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा फेस पैक है, ये ब्राइटनिंग, टाइटनिंग एंड वाइटनिंग का काम करता है। ये देखिए, ये फेस पैक बनकर रेडी हो गया। कितना इजी है इसे बनाना, और जितना ये इसे बनाना इजी है, उतना ही ये हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट हैं, इसे हर कोई यूज़ कर सकता है। आई एम श्योर कि आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। ये बनकर रेडी हो गया है। हाँ, जब भी आपको कुछ अपने फेस पर अप्लाई करना है, अपना फेस वॉश ऑलवेज करके रखना है आपको, तो यहाँ मैं अपना फेस वॉश ऑलरेडी करके रखा है और अब मैं यूज़ करूँगी इस फेस पैक को। आप इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं, बट जो चावल का आटा है वो थोड़ा सा दरदरा होता है, जो ब्रश से अच्छे से अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए मैं इसे हाथों से लगा रही हूँ। आप इसे अपने नेक एरिया, बाजुओं पर, हाथों पर भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और ये लिप स्क्रबिंग भी बहुत अच्छी करेगा। अगर आपने लिपस्टिक अप्लाई, मैंने इस टाइम लिपस्टिक अप्लाई किया हुई है, तो मैं इसलिए इसे लिप्स पर अप्लाई नहीं करूंगी। इस फेस पैक को, इस मिक्सचर को मैंने अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और जो बचा हुआ मिक्सचर है वो आप अपने नेक एरिया, अपने हाथों पर भी, ताकि हमारे हाथ भी हमारी स्किन के साथ मैच करें, नेक एरिया भी कवर कर सकते हैं, लिप्स भी कवर करें। ये जो फेस पैक है, आप इसे फेस पैक, क्लिंजर, स्क्रब, ये दो चीज़ें, तीन काम करेंगे, क्लिंजिंग का भी, स्क्रबिंग का भी और फेस पैक का भी। जो ये फेस पैक है, ये स्किन को बहुत हद तक लाइट कर देगा, हमारी स्किन टोन के, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, जो हमारा एरिया होता है, जैसे हमारी बहुत से लोगों की जो आर्म्स होती हैं वो वाइट दिखाई देती हैं, बट फेस या नेक ब्लैक होती है। तो आप इस फेस पैक को जरूर अप्लाई करें, और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप उसका रिजल्ट खुद देखेंगे। अगर किसी की हद से ज़्यादा टैनिंग है फेस पर, या फिर अदर डार्क स्पॉट्स हैं, या डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, 7 डेज आप इसे यूज़ करें, इट मीन्स 1 वीक आप इसे एक बार यूज़ करके देखें,
बाय गॉड आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखाई देगा। इसमें ना ही कुछ ज़्यादा खर्चा है कि आपको कुछ बाहर से लाना है या आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव है, तो इसीलिए आप इसे आप जरूर ट्राई करें। मैं आफ्टर 20 मिनट्स इसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लूँगी और आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखाऊंगी। जब भी आपने इसे रिमूव करना है हल्की सी स्क्रबिंग करके फिर रिमूव करना है, और उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर कुछ भी फेस पैक लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना है। सो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।